राजा बताओ भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी को बहुत चोट लगी है, घर लेके जा रही हूँ मैं उसे। कि जो ये हालत हुई है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। देखो, तुम अगर बीच में आए ना या घर जाकर किसी को कुछ भी बोला तो मैं अभी इसकी जान ले लूंगी। अभी के अभी नहीं, नहीं, नहीं। सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो राजा। अगर तुम्हें आसमा की सलामती चाहिए राजा, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना होगा, सबसे बहुत दूर जाना होगा। कर पाओगे अपने आसमा के लिए इतना? जा पाओगे सबसे दूर? मैं चला जाऊंगा, पर प्लीज भाभी को कुछ मत करना। भाभी को कुछ मत करना। नहीं नहीं राजा, आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। क्या आसमा की हो जाएगी मौत? क्या अरमान और आसमा हो जाएंगे हमेशा के लिए जुदा? कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उडारिया के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बड़ा ट्विस्ट, जहां पर आप ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब शो की कहानी नया मोड़ लेने वाली है। होने वाली है अरमान और आसमा के बीच में सरहद पार की दूरी, और इस दूरी को आखिरकार ये मिटा भी पाएंगे या फिर नहीं, अभी तक इस बारे में भी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। प्रॉमिस, प्रॉमिस। मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा आलिया। जाओ राजा, जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ भागो। हाँ, 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 हाँ। भाग राजा, भाग। आज तेरी भाभी के साथ तुझे भी ऊपर पहुँचा देती हूँ। शुक्र है पीछा छूटा। यानी कि इतना मुश्किल है, सरहद पार दोनों चले गए हैं, एक उधर है एक इधर है, बीच में बहुत फासला है, तो ये फासला कैसे पूरा होगा? लेकिन दूसरी ओर जो आलिया है, आलिया को ये लग गया है कि आसमा मर चुकी है, और यही बात बाकी सबको भी लग गई है कि आसमा जिंदा नहीं है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां पर सबको ये लग रहा है, सब मातम मना रहे हैं, अब आसमा का भी, पहले राजा का मना रहे थे, अब आसमा का भी मातम मन रहा है, तो यहाँ पर सबको ये लगता है कि अब जो है आसमा मर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आसमा की याददाश्त चली गई है, आसमा पड़ोसी मुल्क पहुंच गई है, वहां पर वो जिस तरीके से लोगों को सजा मिलता हुआ देख रही है, तो ऐसे में उसकी चीख निकल आती है। अब वहां पर आसमा को पकड़ने की लोग कोशिश करते हैं, ये लड़की कौन है, कहां से आई है। इसके बाद आसमा एक मुस्लिम लड़की बन के जीती हुई हमें दिखाई देगी। आसमा की याददाश्त क्योंकि चली गई है, उसे अपना अतीत कुछ भी याद नहीं, लेकिन यहाँ पर आसमा का जो दिल है वो किसी और का है, ये बात उसे महसूस होती है। अरमान दूसरी तरफ ये महसूस कर रहा है कि आसमा मरी नहीं है। खैर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।